सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम को पढ़ा था और इसको डिस्कस किया था और मैंने आपको ये प्रॉब्लम एक होमवर्क के तौर पे दिया था जिसको मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा होगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की होगी और वो लोग करेक्ट आंसर भी अराइव कर गए होंगे। पर जो लोग नहीं कर पाए या जिनको कोई डाउट है तो वो ये सोल्यूशन वाला वीडियो देख लीजिए तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फट से पढ़ लेता हूँ मैं। द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ वाइट स्टार फुटबॉल एसोसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हाईलाइट किया था कि ये पहले साल का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, इससे हमको पता चलता है कि इसी साल ये क्लब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ओपनिंग कैपिटल वगैरह या ओपनिंग कोई एसेट्स की बैलेंस वगैरह नहीं है। उसके बाद रिसीप्ट्स में डोनेशन, लाइफ मेंबर फीस, एंट्रेंस फीस, रिसीप्ट फ्रॉम फुटबॉल मैचेस, सब्सक्रिप्शन वगैरह चीज़ें दी हुई हैं और कुछ पेमेंट्स की चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको अब पोस्ट करेंगे। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट बना के रखा है और नीचे मैंने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना के रखा है, तो इसमें अब हम एंट्री करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डोनेशन, लाइफ मेंबर फीस और एंट्रेंस फीस के बारे में यहाँ पे कहा है इन लोगों ने कि डोनेशन को, लाइफ मेंबर फीस को और एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैपिटलाइज मतलब हम इसको अब कैपिटल फंड में लेंगे। ओके, तो ये जो अमाउंट है डोनेशन की, लाइफ मेंबर फीस और एंट्रेंस फीस की, ये 50,000 और 4,000 यानी कि 54,000, इसको कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं होगा, यहाँ नीचे जो बैलेंस शीट है इसकी लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, एक छोटा सा कोलोन लगाइए और यहाँ लिखिए डोनेशंस। डोनेशंस कितने की है? 50,000 की। उसके बाद देखिए क्या है, लाइफ मेंबर फीस एंड एंट्रेंस फीस 4,000, तो यहाँ लिखते हैं लाइफ मेंबर प्लस एंट्रेंस फीस। अब पूरा लिखिएगा, प्लस साइन मत दे दीजिएगा वहाँ सॉल्यूशन में, एग्जाम में। ठीक है, ये यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन दिया है। तो ये हो गया 50,000 और 4,000, 54,000। अभी इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सरप्लस या डेफिसिट जो है वो भी कैपिटल फंड में ही आएगा। तो ये हमने लिख दिया है, तो ये दो पॉइंट्स की हमने एंट्री कर ली है। अब देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम फुटबॉल मैचेस, तो फुटबॉल मैच से हमें कुछ पैसे मिले हैं तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय रिसीप्ट्स फ्रॉम फुटबॉल मैचेस। ठीक है, यहाँ पे 8,000। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे रिसीप्ट्स फ्रॉम फुटबॉल मैचेस का 8,000 से एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मैचेस 900 यहाँ पे लेस करके नेट में भी दिखा सकते हैं। चलिए मैं वैसे करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिसीप्ट्स फ्रॉम फुटबॉल मैचेस जो है इसको आउटर कॉलम में ना लिख के यहाँ पर हम इनर कॉलम में 8,000 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे करते हैं लेस। लेस क्या करेंगे हम? एक्सपेंसेस फॉर मैचेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मैचेस कितना हमारा? 900। ठीक है, तो ये आइटम भी हमने एंट्री कर दी है इसलिए इसको टिक मार्क कर लेते हैं। तो ये 900 जो है वो यहाँ पर आप लेस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप 7,100 लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर इस साइड में रिसीप्ट्स और इस साइड में जो है आपका एक्सपेंडिचर वाला साइड जो है उस साइड में आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन है, अच्छा लगता है क्योंकि ये दोनों जो हैं ये रिसीप्ट्स भी फुटबॉल मैचेस से रिलेट करते हैं और ये एक्सपेंसेस भी फुटबॉल मैचेस से रिलेट करते हैं। तो आप इसको ऐसे करके लेस करके डायरेक्टली 7,100 जो आपकी कमाई हुई है, नेट कमाई इनकम हुई है फुटबॉल मैचेस से, उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, बस प्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है, आप किसी भी मेथड से करें कोई भी गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, तो जहाँ पे भी जिस भी आइटम के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट रहेगी आप उसके बगल में एक डॉट लगा लीजिएगा। अगर दो एडजस्टमेंट्स हैं तो दो डॉट लगा लीजिएगा ताकि सम सॉल्व करते समय आपको याद रहे कि इसकी एक एडजस्टमेंट है। तो चलिए ये काम हम पूरा कर लेते हैं, जिसके जिसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट है। तो सब्सक्रिप्शन में था वहाँ हमने डॉट लगा लिया, सैलरीज में है सैलरीज में हम एक डॉट लगा लेते हैं, वेजेस में है तो वेजेस में भी डॉट लगा लेते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस में है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में लगा लेते हैं, और डोनेशंस की तो हमने एंट्री कर दी है तो और कुछ है नहीं। तो सब्सक्रिप्शंस जो हैं ये हमारी इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड में, और क्योंकि एक एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे।
तो चलिए यहाँ लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस, तो यहाँ पे 5,200 रुपये जो है अभी फ़िलहाल इनर कॉलम में हम लिख रहे हैं। इसके बाद है लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट 50 रुपये हमारी इनकम है, तो इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखते हैं बाय लॉकर रेंट सीधे आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इनकम है हमारी 240 रुपये, तो इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है, कितना था अमाउंट 240, तो ये 240 गया यहाँ, ये हो गया। उसके बाद सन्ड्रीज़ में देखिए, सन्ड्रीज़ मतलब कि सन्ड्री इनकम्स, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी इनकम्स मिला के 350 हुई हैं, तो हर किसी का नाम तो यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इन्होंने सन्ड्रीज़ लिख दिया है। ठीक है, तो सन्ड्रीज़ 350 है, इसको भी लिख देते हैं बाय सन्ड्रीज़। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर उन्होंने सन्ड्रीज लिखा है पर सन्ड्री एक्सपेंसेस या सन्ड्री इनकम्स नहीं लिखा, तो आप कैसे समझेंगे कि ये हमारी इनकम है? ये 350 तो हमारा खर्चा भी हो सकता था। सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर रिसीव्ड साइड है ये, इसमें इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं इस साइड में, सारे के अगेंस्ट में हमें पैसे मिले हैं। सब्सक्रिप्शंस में हमें पैसे मिले हैं, लॉकर रेंट में पैसे मिले हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में पैसे मिले हैं, तो सन्ड्रीज में भी हमें पैसे मिले हैं। और जनरली जब हमारी एक्सपेंस होती है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसे मिले हैं मतलब ये हमारी सन्ड्रीज जो है ये इनकम्स है। ओके, तो 350 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब इस साइड में देखिए आते हैं पेमेंट्स के साइड में। पेमेंट्स में है पेविलियन ऑफिसेस कंस्ट्रक्टेड, तो फुटबॉल मैच जो होती है तो ग्राउंड में एक पेविलियन होता है जहाँ पे प्लेयर्स वगैरह जो है वो रेस्ट करते हैं, तो पेविलियन ऑफिस बनवाया है इन्होंने 40,000 में। तो 40,000 का जो ये पेविलियन ऑफिस बनवाया है, ये क्या हमारी एक्सपेंडिचर है? हाँ ज़रूर एक्सपेंडिचर तो है। किस नेचर की एक्सपेंडिचर है? कैपिटल नेचर की, ठीक है। क्यों कैपिटल नेचर की है? क्योंकि इससे हमें एक एसेट मिल रहा है, पेविलियन ऑफिस बन रहा है हमारा, तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें क्या मिल रहा है? एसेट मिल रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी पेविलियन ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, तो इसलिए इसके इसका कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, ये सीधे सीधे बैलेंस शीट में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक एसेट बनाया है, ठीक है, कोई खर्च नहीं किया, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम्स आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल इनकम्स नहीं आते हैं। ये सब मैं पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो इनिशियल वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए। तो चलिए पेविलियन ऑफिसर्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो है हमारा, ये रहा बैलेंस शीट, इसके एसेट साइड में हम लिखेंगे पेविलियन ऑफिसेस, यह है 40,000 का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मैचेस 900 हमने एंट्री कर ली है। फर्नीचर भी देखिए सिमिलर है, फर्नीचर 2100 का हमने खरीदा है तो हमारा एसेट है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा नहीं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स भी बोलते हैं, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे फर्नीचर 2100 का हमने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट्स सेम तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी हमारी एसेट्स होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के 16,000 भी बैलेंस शीट में जाएंगे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स 16,000। उसके बाद सैलरीज हैं 1800, लेकिन एक एडजस्टमेंट है, यहाँ डॉट लगी हुई है मतलब एक एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सैलरी हमारी एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, तो सैलरीज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इस साल से करेंट ईयर से रिलेट करती है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। चलिए लिखते हैं, ये रही हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये एक्सपेंडिचर साइड है, तो यहाँ पे सबसे पहले टू सैलरीज, अमाउंट है 1800, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे 1800 लिख देते हैं। इसके बाद है वेजेस, इसमें भी एडजस्टमेंट है 600 रुपये, तो सिमिलरली यहाँ पे टू वेजेस यहाँ लिख दीजिए 600। ओके, इंश्योरेंस है 350 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू इंश्योरेंस 650 रुपये। ओके, उसके बाद है देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस 250 रुपये के, फटाफट लिख देता हूँ टू टेलीफोन 250, इंश्योरेंस 350 था, मैंने गलती से 650 लिख दिया, यहाँ 350 होगा, टेलीफोन 250 हो गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है 110,
तो टू इलेक्ट्रिसिटी 110 रुपये, उसके बाद सेंड्री एक्सपेंसेस हैं जिसमें एक एडजस्टमेंट है, तो 210 रुपये इनर कॉलम में लिखेंगे, टू सेंड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे 210 रुपये इनर कॉलम में। उसके बाद बैलेंस ऑन हैंड, तो ये 5,520 रुपये कैश और बैंक की क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी, जाहिर सी बात है कैश और बैंक की क्लोजिंग बैलेंस है तो एसेट है हमारा, तो जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। तो आ जाइए बैलेंस शीट में, एसेट साइड में यहाँ नीचे लिखते हैं कैश एंड बैंक, अमाउंट कितना है 5,520, 5,520, ठीक है। अब आइए एडजस्टमेंट्स को एक एक करके एंट्री करते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 और 250, तो 2005 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 250 और सब्सक्रिप्शन मिले कितने हैं 5,200, तो ये मान लीजिए ईयर है 2005, ठीक है। यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन मिले हैं 5,200, ये हमने रिसीव किया है, ठीक है, ये हमने रिसीव किया है और अभी भी रिसीव करना बाकी है 250, 250 अभी भी एरियर कह सकते हैं आप इसको, एरियर है या रिसीव करना बाकी है। तो टोटल कितना हुआ 2005 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन इनकम टोटल कितना होगा, 5,200 का आपने रिसीव कर लिया और 250 रुपये आपके रिसीव करने बाकी हैं, तो टोटल साल के बनते हैं 5,450, ठीक है। तो ये जो 250 है ये हमें मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, एक इनकम जिसको हमने अर्न कर लिया है पर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा क्योंकि हमें मिलना है पर अभी तक मिला नहीं है, जैसे कि डेटर्स होते हैं, डेटर्स से हमें पैसे मिलने होते हैं, अभी तक मिले नहीं है इसलिए हम उसको एसेट कंसिडर करते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शंस भी हमें अभी तक मिले नहीं है, ठीक है, इसको एक्रूड इनकम बोलेंगे, इनकम एक्रूड अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये हमारा एसेट हो गया। और साथ ही साथ हमारे सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने इनकम लिया है 5,200, उसमें भी हमें 250 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली 2005 में एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल इनकम हो रहा था 5,450 रुपये। तो यहाँ पे देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस था, इसमें ऐड करेंगे एरियर फॉर 2005, कितना अमाउंट है 250, यहाँ पे 5,200 और 250, 5,450। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन जो लिया है 5,450 लिया है, जो कि 2005 का टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हमने जितना अर्न किया है सब्सक्रिप्शन के हेड में उतना हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एरियर फॉर 2005 है 250 रुपये, इसको हमको एसेट साइड में लेना होगा, जिसका कारण मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो यहाँ लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर 2005, यहाँ पे 250 रुपये। तो ये इसकी एंट्री हमने कर ली है। अब सैलरीज अनपेड फॉर 2005 आर 170, तो 2005 से जो सैलरीज रिलेट करती थी वो थी 1,800, हमने पे कर रखी है और 170 जो है वो अभी पे करना बाकी है, तो टोटल कितना होगा 1,800 प्लस 170 यानी कि 1,970 रुपये, 1,970 रुपये टोटल सैलरी का एक्सपेंडिचर था जिसमें से 1,800 हमने दे दिया है और 170 रुपये अभी देना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि टोटल सैलरी का खर्चा 1,970 था, तो ये जो 1,970 में से 170 हमने दिया नहीं है उसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तो टोटल 1,970 रुपया का जो सैलरी का खर्च है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और ये जो 170 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये हमारी लाइबिलिटी है, जैसे सब्सक्रिप्शन में 250 रुपये हमारा एसेट था, ये इनकम हमने अर्न कर लिया था पर रिसीव नहीं किया था इसलिए इसको एसेट मान रहे थे, ये एक्सपेंडिचर भी हमारा इनकर हो गया है पर अभी तक पे नहीं किया है, तो उसी सेंस में ये भी हमारा लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है, देना है यानी कि लाइबिलिटी है। तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,970 आना चाहिए, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है यहाँ पे सैलरीज में हमको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मैं OS लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग के लिए 170, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 1,970 लेना पड़ेगा, ये पूरे साल का अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसमें लेना पड़ेगा।
और ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 170, इसको हमको लाइबिलिटी में लेना पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज था शायद, आउटस्टैंडिंग सैलरी 170 रुपये हो गया। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है, वेजेस अनपेड है 90 रुपये, यानी कि सेम कहानी है, हमने वेजेस पे किए 600 पर अभी भी पे करने बाकी हैं 90, तो 690 टोटल खर्चा था जिसमें 600 पे हुआ और 90 पे होना बाकी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 90 रुपये ऐड करना पड़ेगा वेजेस में। कहाँ गया, ये रहा वेजेस, 600 हमने लिख रखा है और 90 रुपये कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इसी साल से रिलेट करता है पर अभी तक सिर्फ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हो या ना हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपका खर्चा इनकर हो गया इस साल में एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने 90 रुपये जो है उसको कंसिडर कर लिया यहाँ पर। और इसकी भी एक लाइबिलिटी आ गई 90 रुपये की, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस 90 रुपये, ठीक है। और एक चीज़ है, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस था हमारा 210 रुपये का, उसमें भी 40 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, 210 पे किए हैं, 40 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितना हो गया, 210 और 40, 250। तो सेम ट्रीटमेंट है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे पहले लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हो गए 40 रुपये, ये लाइबिलिटी में हमने रिकॉर्ड कर लिया बैलेंस शीट में, ये देखिए बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड है। और उसके बाद अब हम चलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस को हमने इनर कॉलम में लिखा था, यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे 40, तो यहाँ आ जाएगा 250। तो यहाँ पे जितने आइटम्स थे सबको हमने एंट्री कर लिया, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है किसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए पहले इस साइड का टोटल लगा लेते हैं, इस साइड का टोटल मैंने ऑलरेडी पहले से लगा के रखा है जो कि आपका आ रहा है 13,190 रुपये, ठीक है। तो इस साइड भी 13,190 लिख लीजिए। अब 13,190 से अगर आप ये सारे आइटम्स को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9,570 रुपये, तो ये जो है हमारा हो गया टू सरप्लस, ओके। यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, और एक चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर 9,570 जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस 9,570, तो ये 54,000 और 9,570 ये हो जाएगा 63,570, ठीक है। तो 63,570 में आप इन आइटम्स को ऐड कर लीजिए, 63,570, और इन तीनों का टोटल होता है 300, 170 और 40 हुआ 210 और 90 300, तो 63,870 आ गया। और इधर का टोटल चलिए एक बार कैलकुलेटर में लगा ही लेते हैं, ये हो गया सबसे पहले 40,000 प्लस 2,100 प्लस 16,000 प्लस 250 प्लस 5,520, 63,870, तो आपका जो है मैच हो गया बैलेंस शीट 63,870। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, मैंने जानबूझ के आपको इजी प्रॉब्लम दिया था ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपने इस प्रॉब्लम को ठीक ठाक सॉल्व कर लिया था अपने घर पे तो अच्छा काम किया था, वेरी गुड, कीप इट अप। और अगर नहीं किया था तो अभी देख लीजिए कि आपने क्या गलतियाँ की थी और उससे सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी अकाउंटेंसी की स्किल्स जो है वो मजबूत हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।